है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए स्पोकन का दे रहा हूँ क्लास, बट यहाँ पे आपके एग्जाम में चाहे एसएससी हो, सीपीओ हो, बहुत सारे एग्जाम में आपके वोकैबुलरी जो कन्फ्यूज करते हैं, जो काम आते हैं स्पीकिंग में भी, जो काम आते हैं राइटिंग में भी, और जो काम आते हैं हर सेक्शन पे एग्जाम में भी, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें कुछ वोकैब, इस बुक से मैं ले रहा हूँ जो आपके डीएसएल के बुक्स हैं, डीएसएल इंग्लिश बुक्स, यहाँ पे टाइम मेंटेनेंस का बुक्स है जो बेसिक किताब है, यहाँ से मैं वो कैप्स ले रहा हूँ जो आपको मैं करवा रहा हूँ। एक तरह के जो कन्फ्यूज कराते हैं, हमने यहाँ पे दिया कन्फ्यूज्ड वर्ड्स, कन्फ्यूज्ड वर्ड्स यानी वह वर्ड्स जो कन्फ्यूज पैदा करता है, कन्फ्यूज्ड है वो जो दिक्कत करता है। जैसे हमने एक वर्ड लिया बेटा, ध्यान देना, सी, अब सी यहाँ पे वर्ड लिया हमने लुक, राइट, हमने वर्ड लिया यहां पे स्टेयर, हमने यहां पे वर्ड लिया पीप, हमने यहां पे वर्ड लिया ग्लेयर, हमने यहां पे वर्ड लिया ग्लांस, हमने यहां पे वर्ड लिया ग्लिम्पस, राइट, हमने यहां पे वर्ड लिया बिहोल्ड, ठीक है, हमने यहां पे वर्ड लिया बिहोल्ड, यहां तक ठीक है। अब हमें काम लिया, अब देखो सी है, लुक है, स्टेयर है, पीप है, ग्लेयर है, ग्लांस है, ग्लिम्पस है ना, ग्लिम्पस, राइट, बिहोल्ड, इतने वर्ड्स लिए हमने। अब ये सारे वर्ड, ये सबका मतलब होता है बेटा देखना, ये सबका मतलब क्या होता है बेटा देखना। अब यहां पे ध्यान देना कि सबका मतलब देखना, एक एक का अंतर समझो, तब आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ऐसे में बहुत सारे वर्ड्स दूंगा, तो सी का मतलब देखना, लेकिन कैसे देखना, आप रास्ते में आ रहे थे आज, राइट, आपने बहुत चीज देखा होगा, याद है क्या, आपने बहुत कुछ देखा होगा, देखना याद है, यानी देखना तो है पर याद नहीं रहना, पर याद नहीं मतलब आपने देखा था कहीं नजरों में है बट एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे रास्ते में आए थे आप, 10 लोग से मिले, क्या 10 की काउंटिंग याद है, नहीं, लेकिन ये पता था कि कुछ लोग थे वहां, 2-4-5 लोग थे, लेकिन ये नहीं पता कौन था, उसको हम लोग सी बोलते हैं। जैसे आई सॉ अ मैन यस्टरडे, कल मैं एक आदमी देखा था बट डोंट नो हु इज ही, मुझे नहीं पता तो वो कौन है, राइट, तो हमने देखा आई सॉ अ मैन यस्टरडे बट डिडंट नो हु वाज ही, नहीं पता वो कौन था। आई सॉ हिम यस्टरडे, आई सी यू टुमारो, कल मैं तुमसे मिलूंगा, क्लियर। तो सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना भी होता है। अगला वर्ड है लुक, लुक का मतलब ध्यान देना बेटा, लुक का मतलब देखना भी होता है, दिखाना भी होता है। जैसे मैं बोलूं लुक एट मी, लुक एट दी बोर्ड, लुक एट दी बोर्ड, बोर्ड पर देखो, लुक एट हिम, लुक एट देम, लुक एट दैट गर्ल, उस लड़की को देखो, लुक एट दैट बॉय, उस बच्चे को देखो, तो लुक एट, राइट। अब लुक एक मल्टी यूज वर्ड है, अब यहां पर वर्ड लिया लुक, तो लुक के साथ एट भी लगता है, लुक के साथ इनटू भी लगता है, लुक इन भी होता है, लुक फॉर भी होता है, लुक आफ्टर भी होता है, ठीक है। इस तरह से वर्ड बहुत सारे होते हैं, लुक एट दिखाना, लुक इनटू झांकना, लुक इन में देखना, लुक फॉर किसी को तलाश करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, बोलते हैं ना, लुक आफ्टर, आई एम लुकिंग आफ्टर माई फादर, आई एम लुकिंग आफ्टर माई फादर, मैं अपने फादर की देखभाल करता हूं, लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब की तलाश कर रहा हूं, लुक फॉर तलाश करना, लुक फॉर, लुक इन टू जानकारी लेना, लुक इन टू इन्वेस्टिगेशन करना, लुक एट दिखाना, क्लियर। इस तरह से बट आप देख सकते हो बेटा, तो ये लुक का और भी बहुत सारा यूज है, ये ध्यान देना है। हम लोग अस्टेयर, अस्टेयर का मतलब होता है किसी को घूरना, अस्टेयर का मतलब घूरना, घूरना समझते हो बाबू, घूरना का मतलब घूरना इज अ बैड सेंस, जैसे किसी को घूर रहे हो तो घूरना क्या कहलाता है, अस्टेयर, तो अस्टेयर मतलब घूरना, किसी को घूर करके देखना, स्टेयरिंग करना, राइट। अगला बड़े पीप, पीप का मतलब होता है झांकना, झांकना समझते हो, जैसे कहीं झांक रहे हैं, कहीं झांक रहे देख रहे हैं, कर्टन के पीछे कौन झांक रहे हैं, उसको पीप करते हैं, ही इज पीपिंग, मतलब झांक रहा है ना। ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब बेटा पता क्या होता है, ग्लेयर का मतलब वो, जैसे मान लो तुम अभी देख रहे हो वीडियो यूट्यूब पे, अब मैं क्या करूं, क्या पर रसगुल्ले लाऊं और रसगुल्ले खाऊं, तो जब रसगुल्ले खाऊंगा तो आप क्या करोगे, ग्लेयरिंग करोगे, मतलब आपकी आंखों में लेगा एक लालच भरी, मतलब खाने की इच्छा हो रही बट है तो नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लेयरिंग। तो ग्लेयर मतलब देखना लेकिन लालच भरी
आंखों से देखना, खाने की इच्छा से देखना, मतलब मन में लालच है, उसको हम लोग ग्लेरिंग बोलते हैं। ग्लांस, जैसे ग्लांस नहीं बोलते, ग्लांस, एट ए ग्लांस, एक झलक में, एट ए ग्लांस काम कर दो, एक झलक में काम कर दो, ठीक है। ग्लिम्पस, ग्लिम्पस का मतलब होता है एक बढ़िया से देखना, ग्लिम्पस आइस, चमक भरी देखना, उसको ग्लिम्पस कहलाता है। बीहोल्ड का मतलब होता है प्यार भरी नजरों से देखना, जैसे पति अपने पत्नी को देखता है, बच्चे को देखते हैं, माता पिता बच्चे को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लेरिंग आइस। तो ग्लेरिंग का सॉरी बिहोल्ड, तो बिहोल्डिंग आइस, मदर बिहोल्ड हर चाइल्ड, मदर अपने बच्चे को निहार रही है, निहारना मतलब प्यार भरी आंखों से देखना, उसको बिहोल्डिंग कहते हैं बेटा। इस तरह से आपको कंफ्यूजिंग वर्ड आपको याद करने हैं। अगला वर्ड मैं दे रहा हूँ, उसको ध्यान देना। यहाँ पे वर्ड मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ बेटा, वो है, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है एल ओ ए सी, एक वर्ड है एल ओ डबल एस, और एक है एल डबल ओ ए सी, लूज। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पे जो पहला वर्ड है एल ओ ए सी, लॉस, इसका मतलब होता है खोना, जैसे आप खोना या फिर हारना, राइट। ये लॉस, जैसे मैच या को पेन तुम्हारा लॉस हो, खो गया है ना, या को मैच लूज कर गया, हारना, तो हारना भी होता है और खोना भी होता है, इसको हम लॉस कहते हैं। अब यह जो लॉस है इसका मतलब होता है घाटा, जैसे आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, 90 रुपये बेच दिया, तो आपका लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस करते हो ना, तो ये बड़ा लॉस होता है, ये बड़ा लॉस जो है ये खोना, इसको कभी कभी लोग लूज भी पढ़ लेते हैं। इस लूज का मतलब होता है ढीला, राइट। जैसे कोई चीज़ पैंट खरीद लिया, पैंट लूज हो गया, तो लूज का मतलब ढीला, तो लूज कहते हैं ढीला को और लॉस कहते हैं घाटा को। इस लॉस का मतलब हारना या खोना, एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये आपको सारे बुक्स में भिजवा दूंगा आपके कुरियर पे, आप अपना एड्रेस सेंड कर देना, ये सारा बुक्स मैं आपको भिजवा दूंगा, चिंता नहीं करना है। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास आप कर ही सकते हो, ये सारे जो पढ़ाता हूँ बैच में, ये सारे क्लास ऑनलाइन होते हैं जिसमें सारी चीज़ पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ पाप आप बढ़ा दूँ, पी ओ यू आर और पी ओ आर ई, ध्यान दें बेटा, अब ध्यान दो। एक हमने कहा पी ओ यू आर, इस पोर का मतलब होता है, इस पोर का मतलब होता है उड़ेलना कहो, डालना कहो, जैसे पोर द टी इंटू द कप, पोर द टी, पोर द टी इंटू द कप। अब मान लो एक केतली है, एक कप है, तो पोर द टी इंटू द कप, तो कप में हम चाय उड़ेले ना, चाहे कप में चाय डाले ना, तो पोर मतलब उड़ेलना या डालना, तो पोर द टी इंटू द कप। अब अगर अलग बड़े पोर, इस पोर का मतलब होता है छेद, इस पोर मतलब सुराख, इसको हम सुराख बोलते हैं या छेद बोलते हैं। इस तरह के वर्ड्स बच्चे आपके एग्जाम में आते हैं, स्पीकिंग करने में आते हैं, इस तरह के वर्ड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा, लेकिन एक ही दिन में सब नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलो, अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा, तब आप बेहतर करोगे। और सारे बच्चों को शेयर भी करना है कंफ्यूजिंग वर्ड से, और मैं आपको कह रहा हूँ कि किताब मंगा लोगे, घर पर भिजवा दूंगा, चिंता नहीं करना है। और इसके साथ साथ आप करते रहो, बच्चों को शेयर करते रहिए, स्पोकन भी काम आएगा, बहुत सारे वोकैब आपको, देखिए मार्केट में जो किताब मिलता है, अगर वहाँ वोकैब मिलता है तो ले लो, कहीं भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर DSL की बुक्स चाहिए तो आप अपना एड्रेस सेंड कर दो, भिजवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, थैंक यू।